जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर मैं वीडियोज के कमेंट्स में देखता हूं कि सर BHU NCC के बारे में बताइए। आज आपको NCC का फुल डिटेलिंग वीडियो आने वाला है, और इतना ही नहीं आपको ये भी जानकारी दी जाएगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और इस फॉर्म का सबमिशन कहाँ होता है, और लास्ट डेट क्या है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिक्षा राजा सर, जो कि EME NCC IIT में जो है उसके हेड हैं, और फुल डिटेलिंग सर बताने वाले हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे अच्छी बात ये है कि ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं वो आपसे ही आके जुड़ने वाले हैं और आपके ही अंडर में NCC करने वाले हैं। सर सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि NCC का फॉर्म जो है स्टार्ट कब से हो रहा है। अभी तो शॉर्ट टाइम है, स्टार्टिंग तो क्या बोलते हैं 5 तारीख से और इनका 10 तारीख तक हम रखे हैं, लेकिन 10 तारीख को मॉर्निंग तो इनका फिजिकल मेडिकल वगैरह होगा और इनका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा चेक करेगी। ये जो फॉर्म्स वगैरह आजकल ऑनलाइन हो, ऑनलाइन फिलअप करेंगे, वो हमारा पास यहाँ पर आएंगे ऑफिस में। अच्छा, क्या लिंक है, क्या है उनको हम समझा देंगे। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि फॉर्म आपको, एक मिनट होल्ड कर लो ना, फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन उसके लिए भी आपको सर के पास आना है, सर आपको बताएंगे कि हाँ फॉर्म कैसे फिलअप होगा और उसका क्या प्रोसेस है। सर सर ने इसके जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसका पूरा लिस्ट बना रखा है, ये लिस्ट मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, कम्युनिटी में डाल दूंगा। फिर भी ओवरऑल आपको एक मोटी मोटा बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यहाँ पे फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और रिटेन है। सर किस टाइप के फिजिकल और मेडिकल और रिटेन टेस्ट यहाँ पे होते हैं? फिजिकल टेस्ट में आपको पहले होगा रनिंग, उसके बाद पुशअप और बस ये होगा, और उसके बाद मेडिकल में आपका फ्लैट फुट और नॉकनी वगैरह चेक किया जाएगा, और रिटेन एग्जाम में आपको जनरल नॉलेज नॉर्मली मैथमेटिक्स का जनरल। अच्छा अच्छा, सर मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे नॉर्मल, जनरली BHU बच्चे पढ़ के आते ही लोग तो, लेकिन जो टॉपर होगा वही वहाँ वही। हाँ, बात यह है कि सब तो पढ़े लिखे होंगे, सब तो टॉपर ही होंगे, लेकिन जो बेस्ट होगा वो यहाँ चूज किया जाएगा। अच्छा सर, इसमें इंटरव्यू भी लिखा हुआ है, तो इंटरव्यू आफ्टर दैट ये पूरा कंपाइल होने के बाद जब इनका इंटरव्यू लिया जाएगा, जब हमारा सामने आएंगे उनके अंदर खूबी है, कोई तबेला बज रहा हो, कोई गिटार, अच्छा अच्छा, कोई भी अच्छा उसका सिंगिंग कर रहा हो, तो उसमें हमको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब ग्रेड के लिए जाते हैं तो उसमें अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी वो बंदा पढ़ा लिखा होगा हाँ। लेकिन वो गा नहीं सकता, ढोलक नहीं बजा सकता, गिटार नहीं बजा सकता, जब इसमें वो बेस्ट होगा तो उसको वो कैटेगरी में वो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप एक परफेक्ट NCC कैडेट हो, लेकिन साथ में अगर कोई करिकुलर एक्टिविटी आपको आती है, मतलब ऑर्डिनरी से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपके अंदर एबिलिटी है, इट मीन्स कि आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट सर? सर यहाँ पे वैसे जो कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि NCC करने के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि बाकी डिटेलिंग तो मैं आपको इनको बता दूंगा स्मार्ट बोर्ड वगैरह पे। सर बेसिकली बेनिफिट्स आप से जानेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा इन्हें। रिटन एग्ज़ाम आपको ऑल विंग में, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए आप मतलब फ्री, आप रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता। अच्छा अच्छा, जो सी सर्टिफिकेट होल्डर जो, अच्छा, और उसके बाद जब SSB जब ऑफिसर्स के लिए ट्रेक करते हैं उनके लिए इसका बोनस पॉइंट्स है। अच्छा, इनके लिए और CCD एग्जाम के लिए आपको ये क्या बोलते हैं स्पेशल एंट्री है, क्या बोलता हूँ उसको, NCC स्पेशल एंट्री है, उसमें जाके आप आराम से कर सकते। अच्छा, सी सर्टिफिकेट इनके पास होगा तो डायरेक्टली चले जाएंगे, बस रिटेन इनको नहीं देना है, सीधे इंटरव्यू के लिए जाएंगे SSB में, कहीं भी, अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसमें ये ग्रेड और बी ग्रेड होना चाहिए, अल्फा और ब्रावो ग्रेड होना चाहिए, सी ग्रेड का नहीं लाभ होगा। अच्छा, लेकिन इसमें बहुत फायदा है, वो NCC करेंगे बहुत फायदा है, और सर फिजिकली फिटनेस थोड़ा ये यहाँ है, और क्या डिसिप्लिन का यहाँ पर लिखा भी है आपको, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, बस ये तो सीख ही जाएंगे आप। डिसिप्लिन मस्ट है, ध्यान दीजिएगा, डिसिप्लिन मस्ट है, अदरवाइज यहाँ हालत खराब हो जाती है लोगों की। वैसे मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन भाई स्टूडेंट का डिसिप्लिन लाइफ होना भी चाहिए, मजा लेंगे ऐसा नहीं है। और वैसे मैं आपको थोड़ा सर का एक पर्सनल जो एक मेरा एक एक्सपीरियंस सर के साथ है वो मैं बता दूं कि रियली बहुत ही डिसिप्लिन वे में और बहुत ही इंजॉय मोमेंट के साथ अभी तक 2 से 3 साल के बच्चों ने सर के साथ अपना NCC कंप्लीट किया है, और उनका एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट है। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा वो भी सर के साथ बहुत वंडरफुल, रियली इट वाज वंडरफुल, बहुत मज़ेदार था, और मुझे लग रहा है कि एक बार आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। इसमें बच्चों को जो डाउट आएगा सर मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इन्हें समझानी पड़ेगी।
आप लोग का एडमिशन अभी ऑन द वे है, आप लोग बार बार बोलोगे कि सर हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि ये BHU NCC BHU बच्चों के लिए होता है, रेयर केस में ये लोग कुछ एफिलेटेड या फिर बाकी स्कूल के बच्चों को लेते होते हैं। अभी फिलहाल ओनली BHU। तो ध्यान दीजिएगा कि बस ये जो है ओनली BHU के स्टूडेंट के लिए ही प्रायोरिटी दी जा रही है, बाहर के बच्चों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। तो जो बच्चे इस बार सेलेक्ट होके आ रहे हैं और जिनका फी रिसिप्ट मिल चुका है, वो अपनी फी रिसिप्ट के साथ सर उन्हें ये डॉक्यूमेंट अभी फिलहाल लेके आने हैं। तो फी रिसिप्ट के साथ बाकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के लिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ देख लेना। और ये IIT BHU की बिल्डिंग है, यहाँ आपको विजिट करना है। इसी तरीके से BHU में अलग अलग जगहों पे इसके हेडक्वार्टर बनाए गए हैं, जैसे कि नेवी का अलग है नरिया गेट पे, एयरफोर्स का अलग है, पूछ लेना किसी से। और इस तरीके से आप हर जगह के डेट आ चुके हैं, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ का प्रोसीजर पता कीजिए कि क्या फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर है। ध्यान दीजिएगा लड़कियों के लिए भी NCC होता है, लड़कियाँ बार बार पूछेंगे हमारे लिए है कि नहीं, तो लड़कियों के लिए भी NCC होता है। सर एक बात जानना चाहेंगे, फिजिकल फिटनेस की स्टार्टिंग में क्या रिक्वायरमेंट है NCC के लिए? मतलब बच्चे सोचेंगे कि मेरी हाइट कम है तो मुझे जाना है कि नहीं, मेरी मैं मोटा हूँ तो मुझे NCC मिलेगा कि नहीं, ये चीज़ें थोड़ा सा चाहूँगा कि सर बताइए। नहीं, वो रनिंग आप जो फिजिकल में हाइट वेट का वो बात का बात है, आप जो रिटन एग्जाम में टॉपर रहेंगे और आपके अंदर और कुछ भी चीज़ में एक्टिविटी कुछ अच्छा एक्टिविटी होगा, आप NCC में सेलेक्ट हो सकते हो। सबसे पहली बात है 2 UP EME कंपनी, इसमें आप आ जाना अभी फिलहाल। अच्छा, UP EME कंपनी, यहाँ का जो आर्मी का बहुत सारे विंग्स है, यहाँ पर बहुत सारे बटालियन है, ये कंपनी है 2 UP EME कंपनी। कल से आप लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा लेके आ जाइए, आप लोग यहाँ पर बता देंगे। अब बाकी चीजें सर आपको यहाँ पर डिटेल बता देंगे बहुत अच्छे से। ध्यान दीजिएगा मिस बिहेवियर थोड़ा भी नहीं चलेगा, क्योंकि कैंपस में बाकी जगहों पे आप थोड़ा इधर उधर कर लोगे, यहाँ आने के बाद आपको पूरी चीज़ें एकदम जो भी डायरेक्शन दिया जाता है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। सो आप सभी से एकदम रिक्वेस्ट है कि डिसिप्लिन वे में आना, आने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे से अपना रेस्पेक्ट पे करना, आप उसके बाद सर से अपने क्वेश्चंस रखना, उसके बाद हर चीज़ बताया जाएगा। क्योंकि सर लोग जो भी हैं, चाहे ऑफिस के लोग हैं, चाहे आपके जो लोग NCC कराते हैं, बहुत ही रूल्स को फॉलो करते हुए चीज़ों को रखते हैं, थोड़ा भी मिसबिहेव नहीं, थोड़ा सा भी इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा। एक्चुअली ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि BHU का ही हूँ और आप लोग BHU में आ रहे हो, तो अपने बड़ा भाई समझना, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है? नहीं आने के बाद बहुत लोग ये सब सोच लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डिटेलिंग दे दूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा इतनी सारी चीज़ें आप समझाए, और उम्मीद करता हूँ कि सर इस बार जो कैंडिडेट आएंगे सर के दिशा निर्देशन में बहुत बढ़िया NCC करके सी सर्टिफिकेट लेके, और उसके बाद देश में जहाँ भी NCC की वैकेंसी आती है उसमें वो लोग भाग लेंगे और देश के विकास में रक्षा में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, मुस्कुराते रहिए, BHU पाठशाला देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। हर हर महादेव।